हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है पीएस आई लव यू। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जेरी और हॉली है। जेरी और हॉली 19 साल की उम्र से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, इसलिए इनके झगड़े ज्यादा देर तक नहीं टिकते। इन्होंने कभी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं है, लेकिन इंसान की किस्मत में क्या लिखा होता है ये पहले से किसी को पता नहीं होता, और इसी किस्मत की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ता है। क्योंकि एक दिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से जेरी की डेथ हो जाती है। जेरी की डेथ की वजह से हॉली एकदम से अकेली पड़ जाती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वह जेरी से सच्चे दिल से प्यार करती थी। वो खुद को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से पूरी तरह अलग कर देती है। उसे अभी भी लगता है कि जेरी उसके आसपास है, इसीलिए वो जेरी की हर एक चीज को संभाल कर रखती है। वो खुद को बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट कर देती है। वो ना ही किसी से मिलती है और ना ही किसी से बात करती है। उसके 30वें जन्मदिन पर उसकी माँ, बहन और उसकी दो फ्रेंड्स उसके घर पे आती है, क्योंकि बहुत टाइम से उसने उनके साथ बात नहीं की थी। और इसी दिन उसके घर पे एक पार्सल आता है जिसमें एक केक होता है। ये केक जेरी की तरफ से आया था। केक को देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। दरअसल जेरी ने मरने से पहले ये सब कुछ प्लान करके रखा था। इस केक के साथ जेरी ने एक टेप भी भेजा था। इस टेप में जेरी ने हॉली के लिए कुछ बातें रिकॉर्ड करके रखी थी। इन बातों को सुनकर हॉली बहुत खुश हो जाती है। उसे जेरी के साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लगता है, और इस बात से हॉली की माँ को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि हॉली जेरी को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अगले दिन से हॉली को जेरी के लेटर्स मिलना शुरू होते हैं, जो उसने मरने से पहले हॉली के लिए लिख कर रखे थे। इन लेटर्स के जरिए वो हॉली को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए कह रहा था। ये लेटर्स का सिलसिला बहुत टाइम तक चलता है। जेरी हॉली को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देना चाहता था, लेकिन वही उसके लेटर्स को पढ़ने के बाद उसे और भी ज्यादा जेरी की याद आने लगती थी, और वो उसे भुला नहीं पा रही थी। लेकिन इस बात से हॉली की माँ पैट्रिशिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो बार बार हॉली से जेरी को भुलाने के लिए कहती थी, और इस बात से हॉली और पैट्रिशिया के बीच में भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। पैट्रिशिया भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी, लेकिन हॉली करती भी क्या, वो जेरी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन हॉली को जेरी का एक लेटर मिलता है। इस लेटर में जेरी ने हॉली से आयरलैंड जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसने पहले से ही हॉली और उसकी दो फ्रेंड्स के लिए आयरलैंड की ट्रिप प्लान करके रखी थी। हॉली अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ आयरलैंड पहुंच जाती है, जहां पर वो एक बहुत बड़े घर में रहती है। यहां पर भी उन्हें जेरी के लेटर्स मिलते हैं, जो उसने इन सभी के लिए लिखे थे। इन्हें आयरलैंड में आगे क्या करना है वो सब इन्हें जेरी के लेटर्स के द्वारा पता चल जाता है। जेरी ने इनके लिए सब कुछ प्लान करके रखा था, और जेरी के प्लान के मुताबिक ही ये लोग एंजॉय करने के लिए एक क्लब में जाते हैं, जहां पर इनकी नजर क्लब में गाने वाले सिंगर पे पड़ती है, जो काफी हद तक जेरी जैसा ही दिख रहा था। इसे देखकर उन्हें जेरी की याद आ जाती है। ये सिंगर काफी अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए हॉली की दोनों फ्रेंड्स हॉली को उस सिंगर के पास भेजती हैं। वो सिंगर अपना नाम विलियम बताता है। हॉली उस सिंगर से मिलने के बाद बहुत खुश होती है। वो सिंगर हॉली के लिए एक गाना गाता है, और यही गाना जेरी ने भी गाया था जब उसने पहली बार हॉली को देखा था। उसके बाद वो अक्सर हॉली के लिए वो गाना गाता रहता था। इससे हॉली को जेरी की याद आ जाती है। वो इमोशनल हो जाती है और क्लब से बाहर आ जाती है। अगले दिन ये तीनों फ्रेंड्स जेरी के प्लान के मुताबिक एक नदी में फिशिंग करने जाते हैं, जहां ये तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, और इसी एंजॉयमेंट के चलते ये अपने दोनों चप्पू खो देते हैं। यानी वो अब यही नदी में फंस जाते हैं, क्योंकि इनके पास अब बोट को किनारे तक ले जाने के लिए चप्पू ही नहीं है। ये तीनों शाम तक यही बोट में इंतजार करते हैं, और शाम के वक्त इनकी तरफ एक बोट आती है जिसमें विलियम होता है। तीनों विलियम को देखकर खुश हो जाते हैं। विलियम ही इन्हें नदी से बाहर निकालता है।
विलियम इनके साथ इनके घर पे आता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो डिनर इन तीनों के साथ ही करता है। ये तीनों उसे रात में वहीं पर रुकने का ऑफर देते हैं, जिसे विलियम एक्सेप्ट कर लेता है और रात में वो इन्हीं के घर पे रुक जाता है। रात में विलियम और हॉली इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में हॉली विलियम को जेरी के पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। तब जाकर विलियम को रियलाइज होता है कि वो उसके बचपन के दोस्त जेरी की बीवी है। विलियम हॉली को काम डाउन करता है और इसके बाद वो हॉली के साथ विलियम के बारे में बहुत सारी बातें करता है। वो उसे बचपन की स्टोरी सुनाता है, जिन्हें सुनकर हॉली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन विलियम हॉली को जेरी के घर पे ले जाता है, जहाँ पर हॉली जेरी के पेरेंट्स से मिलती है। वहाँ पर जेरी के पेरेंट्स हॉली को जेरी का लिखा हुआ एक और लेटर देते हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद हॉली की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि वो किस तरह जेरी से मिली थी, किस तरह उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ था। कुछ दिन आयरलैंड में रुकने के बाद वो वापस मैनहट्टन अपने घर पे आ जाती है, लेकिन अभी भी वो जेरी को भुला नहीं पा रही थी। हालांकि जेरी अपने लेटर्स के जरिए उसे हमेशा यही बताता रहता था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन अपने शूज पर जेरी के सस्पेंडर क्लिप को देखकर उसे एक आइडिया आता है, जिसके लिए जेरी उसे हमेशा एनकरेज करता रहता था। और इसके बाद ही वो शूज को डिजाइन करने लगती है। वो बहुत अच्छे शूज बनाती है और इस तरह वो जेरी की यादों को कम करने में थोड़ी कामयाब हो जाती है, क्योंकि अब वो काम के साथ बिजी हो जाती है। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त डैनियल के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ पर डैनियल हॉली को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि हॉली उससे प्यार नहीं करती और ऊपर से हॉली मिस्टेक से उसे जेरी बुलाती है, जिसके बाद डैनियल बहुत उदास हो जाता है और हॉली को वहीं रेस्टोरेंट में छोड़कर चला जाता है। इससे हॉली को फिर से जेरी की याद आने लगती है। वो बहुत उदास हो जाती है, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। उसकी माँ उसे बाहर वॉक पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे समझाती है कि इंसान के साथ उसके जीवन में बहुत कुछ होता है। कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजें बुरी होती हैं। हमें अच्छी चीजों को गले लगाना चाहिए, लेकिन बुरी चीजों को भुलाकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मुश्किल और आसान समय आता रहता है। पैट्रिशिया अपनी जेब से जेरी का एक लेटर निकालती है और वो हॉली को देखती है। तब जाकर रिवील होता है कि इतने दिनों से हॉली को जो जेरी के लेटर्स मिल रहे थे, दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ पैट्रिशिया ही भेज रही थी। पैट्रिशिया हॉली को बताती है कि मरने से पहले जेरी मेरे पास आया था, उसने सभी लेटर्स लिख कर रखे थे, उसने सब कुछ प्लान करके रखा था। मैंने उसे तुम तक ये सभी चीजें पहुंचाने से मना भी किया था, लेकिन फिर मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखा और मैं उसे ना नहीं कर पाई। ये उसका आखिरी लेटर है। इस लेटर में जेरी ने हॉली के लिए लिखा था कि मैं अब जा चुका हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वो उसे एनकरेज करता है, जिसके बाद हॉली अपने बचपन के फ्रेंड डैनियल से मिलने जाती है। डैनियल और हॉली एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। अब हॉली धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने लगती है। वो अब धीरे धीरे खुश रहने लगती है और कुछ महीने बीत जाने के बाद वो अपनी माँ को लेकर फिर से आयरलैंड आती है, जहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और साथ ही उसकी माँ पैट्रिशिया को भी विलियम पसंद आता है। हॉली विलियम से कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, और इसके बाद वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। और यहाँ पर ये मूवी एक अच्छे नोट के साथ समाप्त होती है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनसे हम छुप नहीं सकते। बस हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड टेक केयर।